बिहार में जो नक्सली बच गए हैं उनकी मंशा साफ नहीं कि वो क्या चाहते हैं। वर्ग संघर्ष से लेकर जातीय संघर्ष में शामिल हुए ये नक्सली इन दिनों गरीब लोगों पर भी जुल्म कर रहे हैं। लिहाजा लोग यह मानने लगे हैं कि नक्सली पूरी तरह से अब अपराध से जुड़ गए और इनका मकसद सिर्फ धन कमाना रह गया है। यह हम इसलिए कह रहे हैं कि बिहार के लखीसराय में इन नक्सलियों के जो कुकृत्य सामने आ रहे हैं उससे यही साबित होता है। लखीसराय में नक्सलियों ने श्रृंगी ऋषि आश्रम के अपहृत पुजारी की हत्या कर दी। उसके बाद नक्सलियों ने श्रृंगी ऋषि धाम के अपहृत पुजारी नीरज झा के पिता राजेंद्र झा को फोन करके कहा कि हनुमान थान के पास उनके बेटे का शव पड़ा है, ले जाओ। जब परिवार वाले ने पुलिस को इसकी सूचना दी और पुलिस के साथ जब वे जंगल में गए तो वहाँ उनको एक शव मिला, पर शव की पहचान नहीं हो पाई कि ये अगवा पुजारी नीरज की ही लाश है। हालांकि परिजन शव को नीरज झा का ही शव मानकर सीआरपीएफ और एसटीएफ के सहयोग से ले तो आए, पर इस घटना के बाद लखीसराय में सनसनी फैल गई। प्रसिद्ध सिंगी ऋषि आश्रम के पुजारी की हत्या की चर्चा हर जगह होने लगी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अपहरण के बाद परिजन लगातार नक्सलियों से पुजारी को छोड़ने की अपील करते रहे, लेकिन नक्सलियों ने पुजारी को छोड़ने के बदले लाखों रुपए मांग रहे थे और नहीं देने पर नक्सलियों ने इस घटना को अंजाम दे दिया। क्या मिला कुछ? एक्चुअली कल शाम में एक सूचना मिली थी कि हनुमान स्थान के पास एक मृत शरीर रखा हुआ है। वो हम लोग एक ऑपरेशन प्लान किए थे और अभी डेड बॉडी को लेके हम लोग आए हैं। अभी राजघाट कोल में है, इसके बाद इसके अग्रिम कार्रवाई हम लोग कराएंगे। और क्या विशेष सर नक्सलियों के लिए जो है खोजन चल रही है? ये एक बहुत कायरतापूर्ण कार्रवाई है। इस तरह से अब गरीब को किसी को पकड़ के और उसको मार के इस तरह से बॉडी को रख देना, और हम लोग अभी इस प्रयास में भी है कि बॉडी किसकी है ये भी पहचान की जा रही है। तो जाँच जारी है और आगे जो है सो फिर आपको बताया जाएगा। 6-7 दिन सर हो गया, पुजारियों का भी अपहरण किया गया है लेकिन अब तक तो कुछ पता नहीं चल पाया। उस संबंध में DIG साहब और SP साहब के निर्देशन से लगातार ऑपरेशन चलाया जा रहा है। फोर्स लगातार कॉम्बिंग कर रही है। जैसे हम लोगों के हाथ में कुछ कंक्रीट आएगा हम आपको बताएंगे। लखीसराय के SP अभियान अमृतेश कुमार ने बताया कि हनुमान थान से लाश को ले आया गया है और यह लाश जो है श्रृंगी ऋषि आश्रम के पुजारी नीरज झा की है। लखीसराय से खुलासा के लिए रामायण सिंह राजपूत की रिपोर्ट।